ग्वालियर में गुब्बारे बेचकर परिवार की मदद कर रही नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और फिर दिल्ली में देह कारोबारियों को बेचने की कोशिश करने वाली महिला और उसके साथी पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के अलावा दोनों आरोपी कई और बच्चियों को इसी तरह देह कारोबारियों को थमा चुके हैं। वहीं पुलिस इस एंगल पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ग्वालियर निवासी 17 साल की लड़की को हेमंत और सीमा ने अपहृत किया था। हेमंत ऑटो चालक है और सीमा रेलवे स्टेशन के पास पुल के नीचे रहती है। दोनों ने लड़की को प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास छोटी रेल के डिब्बे में बंधक बनाकर रखा था। वहां हेमंत ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बताया कि हेमंत और सीमा ने उससे पहले शहर में देह कारोबार करवाया, फिर उसे दिल्ली के रेड लाइट एरिया में बेचने लगे। रास्ते में किसी तरह उनके चंगुल से छूट गई थी। अपहृत किशोरी के वापस लौटने पर हेमंत और सीमा दो दिन तो दिल्ली में दुबके रहे, लेकिन देर रात दोनों वापस लौटे तो रेलवे स्टेशन पर उनके ठिकानों से पुलिस ने दबोच लिया। अब आरोपियों से दिल्ली के रेड लाइट एरिया में संपर्क का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनसे अन्य बच्चियों के बेचने और दिल्ली के रेड लाइट एरिया में उनके संपर्क को लेकर पूछताछ शुरू कर दी। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किशोरी के संबंध में अपहरण की जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जब किशोरी के परिजन रुड़की से लेके आए थे तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर एक महिला और एक पुरुष का नाम आया था कि उनकी भूमिका संदिग्ध है, उनके द्वारा इनको गुमराह करके इसके साथ दुष्कर्म किया गया। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन से मुखबिर की सूचना पर से उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अब इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हाँ, और भी खुलासे हो सकते हैं।